तुमको कैंटीन अच्छा लग रहा है, तुम्हारे घर आए हैं वो आए हुए अपने मित्र को पुरानी बात याद दिलाने लगे। सुदामा कहने लगे तुम तो आज बैठ रही हो, मैं तो यह बचपन से जानू खाने पीने की चीज का बड़ा स्वार्थी है, ये छुप करके खाना चाहता है। मेरी भाभी तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेगी, अवश्य मेरे लिए कुछ न कुछ भेजा है, लेकिन तुम अकेले ही खाना चाहते हो। दादा क्यों रहे हो भेद छुपाई, क्यों रहे हो भेद छुपाई, हम तो पड़े संगत भाई, हम तो पड़े संगत भाई। याद है पर सुधामा का के पैर मेरे भीच जावे, लेकिन वो कोई बात है हकीकत सामने नहीं आती। भगवान ने जबरदस्ती कर राली कांख में हाथ बबरा दा, पोटली पकड़ ले सुधामा, बोले रुक्मणी बोली भगवान ये क्या कर रहे हो। जब तक तो भगवान ने पोटली को खींच लिया, सुधामा बोलो कन्हैया जय खोल के मन देखी मुझे लाज आवेगा, क्योंकि मैं सभी उनकी पटरानी है ना। सुधामा के प्रति आज भगवान ने पोटली को खोल के देखा, जिसमें माणिक जैसे मोती चमक रहे हैं, सुंदर चावल को देख करके उनकी सुगंध भगवान ने ली। वह सुधामा बा, मैं जानता था कि मेरी भाभी पसंद को जानती है, मुझे चावल बहुत अप्रिय, माणिक मोती जैसे। वह सुधामा बा, आज मैं इन चावलों के एक एक मुट्ठी के बदले एक एक लोक भी दऊ तो सुधामा के लिए कम होगा। जब इतना सुना है तो तीनों लोक उथल पुथल हो गए। रुक्मणी सोचने लगी मेरा पिया कितना निहाल हो गया अपने मित्र पर जो सब कुछ देना चाहता है। रुक्मणी कुछ कह नहीं पा रही हैं, भगवान ने पहली मुट्ठी चावल मोहरे में डाल लिया, सब देवता देख रहे हैं कि लो धरती को राजा बना दो। एक मुट्ठी खाने से धरती का राजा सुधामा को चावल को रोत करके दुख दाले तो दूर किया और धरती का सम्राट बना दिया, सब देख रहे हैं। दूसरी मुट्ठी भर के भगवान ने फिर से मोहरे में डाली, अब तो आकाश भी दे दिया, सुर्ग का राजा भी बना दिया। देवता सभी घबराने लगे, रुक्मणी का हृदय कांपने लगा, विष्णु लोक और रहेगा वो, ये तीनों लोग। तीसरी मुट्ठी भर गई, ध्यान दीजिए, क्या दो मुट्ठी खाए तंदुर, तीसरी मुट्ठी भर गई, रुक्मणी ने घबराए के भैया हरी की कही नहीं, मोहरे के तय ले जाने के लिए घर से रुक्मणी ने भाग करके हाथ पकड़ बोले ठहरो, तुम सवई सवे दे दे कछु पई को अंत राख। भगवान कहने लगे हे रुक्मणी यही तो तुम्हारा धर्म है। याद है जब हम और तुम सुधामा से मिलने के लिए इनके घर गए तो भोजन का समय था, याद है? हाँ स्वामी याद है। तो ये भी याद होना चाहिए इनकी प्रिय वसुंधरा मेरी भाभी जिसने भोजन बनाया था, लेकिन हमारे आने से पहले ही उनके बच्चे खा करके भोजन निकल गए। केवल पतीली में एक चावल चिपका, वो भी बगल में। सुधामा ने हमसे भेंट करके तब कहा कि वसुंधरा मेरा मित्र आया है,
अब भोजन का समय तो भोजन लाओ शीघ्र पर उसके, लेकिन बार बार वसुंधरा जावे उस हड़िया को दे जिसमें चावल बनाया, लेकिन चावल नहीं है, उसमें एक चावल चिपका हुआ। शर्म के मारे कबू इतु जावे कब उतु जावे। देर हो गई सुधामा आए, अरे वसुंधरा मैंने कहा ना तू भोजन क्यों नहीं परोसा, तूने क्यों देर करती है। वसुंधरा रोने लगी, स्वामी आपने तो कह दिया पर यह देखो पतीली खाली है, बच्चे खा गए, मैं क्या था जिसको मैं परोस के ले जाती तुम्हारे मित्र के लिए। पतीली को उठा के सुधामा ने देखा एक चावल उसमें चिपका है। सुधामा कहता है वसुंधरा मैं अपने मित्र से कोई छुपा भी तो नहीं सकता, जो है वही सही। आज उस पतीली को लेकर के हे वसुंधरा जब सुधामा, तब कहा रुक्मणी सुधामा उस पतीली को लेकर के हमारे और आपके पास आया था, और उसने वो चावल उन दोनों का हक था खाने का, आधा चावल सुधामा का था आधा वसुंधरा का था, लेकिन उस मित्र के प्रति हमारे प्रति अपने अपना हक हमारे हवाले कर दिया। आधा तुमने खाया आधा मैंने खाया, तुम्हारा पेट भरा कि नहीं भरा। बोले भगवान मुझे याद है उस आधे चावल में तो बड़ी सुगंधित, आधा चावल खाते ही मेरा पेट तो ऐसे भर गया ना जाने कितना खाया। हाँ तो बस रुक्मणी अब आधा चुकाने के लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा, और मैं तो आधा अपना चुका चुका हूं, बाकी रह गया है अब उसे दे दूंगा जब ही तो बराबर हो, हमें भी तो अपनी पूरी कुल पूंजी दे देनी चाहिए। भगवान आप महान हैं, मैं कर ही कह सकती हूं। अच्छा तो अब तुम बातों में लगा रहोगी, कुछ खिलाओगी भी मित्र को। झट से रुक्मणी ने बड़े ही सुंदर भोजन बनाए, फलाहार कराया, और सुधामा को जब तक स्नान कराया चवणामृत शहद घृत गंगा जल दूध, फिर उन्हें वस्त्र अर्पण कराए, उसके बाद भगवान ने से अपने मित्र को भोजन कराया, उसके प्रसाद भोजन करने प्रसाद दिन अस्त हो गया। ले जा करके अपने कच्छ जिस पलके पे भगवान सोया करते थे उसी पे सुधामा को सुला दिया। सुधामा ओहो इतना घुसो चलो को मखमलों के गदेले भैया माँ का कोई कमी आती। भगवान बोले हे मित्र देखो यहां मेरी न रानी है न मेरे कोई दास दासी है, मैं जानता हूं तुम आए हो मेरे पास मिलने के लिए, लेकिन हे मित्र आज जो तेरी इच्छा हो सब मुझसे मांग। या कोई नहीं देख रहा है वहां तो रानी थी मेरी, सभासद भी दास भी थे सिपाही थे। सुधामा बात है पेट में से यहां तक ला गले तक, लेकिन भाई चना चुरा के खाए तेई बात याद आ जावे और झट भाई नीचे कुंस रखा ला जाए। बोलो कृष्ण भगवान की, बार बार कहने पे भगवान के सुधामा कहते हैं आपकी कृपा से सब ठीक है। अच्छा भैया अपने लिए नहीं मांग रहे हैं तो भाभी के प्रति कुछ मांग लिए। नहीं नहीं मित्र आपकी कृपा से सब ठीक है। अच्छा भाभी के प्रति नहीं मांग रहे अपने खुद भी नहीं लेना चाहते हो तो बच्चों के प्रति कुछ तो मांग लो। सुधामा बोले सब ठीक ठाक है आपकी कृपा है। भगवान ने कही तो ठीक है आज से सब ठीक ही होगा। जैसे ही भगवान रुक्मणी जी के पास पहुंचे रुक्मणी बोली प्रभु आपने तो खूब अच्छी बात कह दी, तुम्हारे मित्र के लिए तुमने मांगने को कहा उन्होंने कुछ नहीं मांगा और तुमने ये कैसे कह दी कि सब ठीक ही ठाक होगा। रुक्मणी से आज सुन करके भगवान बोले देखो ऐसे होगा। झट से उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी उपस्थित हुए। विश्वकर्मा जी ने कहा प्रभु क्या आदेश है।
कि जब विश्वकर्मा जी ये देख लो भवन आपके हाथों से बनाया हुआ है, ये मैंने अपने मित्र के भवन के लिए आपको आमंत्रित किया है, ऐसा ही होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं रह जाए। और ये सब रात और रात बनाना है, क्योंकि दूसरा दिन विश्वकर्मा जी चलने को हुए तब कहा कि ठहरो, इतना ध्यान रखना भवन का निर्माण करने से पहले मेरी भाभी वसुंधरा को अवश्य पूछ लेना, यदि वो इजाजत दे तो ही बनाना, अन्यथा भवन मत बनाना, मुझे याद करना। इतना आज्ञा पा करके विश्वकर्मा जी वृंदापुरी पहुंचे, टूटी सी झोपड़ी है जहां पर फूस पड़ा हुआ है, जमीन पर बच्चे सो रहे हैं, अपने आचन से फटी हुई धोती से दोनों चारों बच्चों को छुपा करके वसुंधरा बैठी है। जैसे ही विश्वकर्मा जी गए, उजाला हो गया, हाथ जोड़ के वसुंधरा खड़ी हुई, देव आप कौन हो? बोले मेरा नाम विश्वकर्मा है, मुझे कन्हैया ने भेजा है आपके भवन निर्माण के लिए। मैं बोली एकदम मेरी अहोभाग्य, आपको कन्हैया ने भेजा है, लेकिन हे देव तुम्हारे योग्य मेरे घर कोई भी ऐसा बिछाना नहीं जिसमें मैं तुम्हें बिछा के बैठा सकूं, यदि आप इस टूटी सी खाट में बैठना चाहो स्वीकार करो तो मैं बिछाऊं। वसुंधरा ने उस खाट को बिछा दिया है, देखिए विश्वकर्मा जी उसी टूटी खाट पर बैठ जाते हैं। तब विश्वकर्मा जी ने कहा कि कहो तुम्हारे भवन का निर्माण करूं। वसुंधरा आंखों में आंसू भर गए, भगवान देख रहे हैं, रुक्मिणी देख रही है, वसुंधरा आज आंखों में आंसू भर कहती है कि हे नाथ, क्या भगवान कन्हैया को ये नहीं पता, जब मेरे स्वामी मुझे विवाह करके सात फेरा देकर के उंगली पकड़ के मुझे इस घर में लेके आई और इस नगरी में हर घर में थे मेरे पिया ने भीख मांग करके और घर घर का अन्न जल मैंने ग्रहण किया है, अपने पेट का पालन किया, बच्चों का पालन किया, मेरा पालन किया, लेकिन आप ही बताओ विश्वकर्मा जी मेरे भवन के लिए आपको भेज दिया बनाने के लिए, लेकिन आज मेरी इस नगरी में मेरे सभी कुटुंब परिवार के सामने मेरा भवन बन जाए, मैं रानी बन जाऊं और इनके घर से भीख मांग मांग करके खाई है, क्या कन्हैया को ये सोवा देगा कि ये मेरा आदर सत्कार करे, मेरी जय जयकार करे? नहीं नहीं विश्वकर्मा जी, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी, इजाजत नहीं दूंगी, या तो मेरी पूरी वृंदापुरी का ही निर्माण करे, अन्यथा मेरी झोपड़ी झोपड़ी ही रहने दे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। विश्वकर्मा जी को भी नमना पड़ा, भगवान कन्हैया को देखा, कन्हैया ने कहा विश्वकर्मा जी वसुंधरा की ही राजी मेरी ही समझना, आप वृंदापुरी का ही निर्माण कर डालो। इस तरह द्वारकाधीश की आज्ञा पाई, जब उन्होंने स्वीकार किया, यहाँ पर विश्वकर्मा जी को वसुंधरा ने सभी नगरवासियों के भेंट कराया, सबने विश्वकर्मा जी कन्हैया की और सुधामा की जय जयकार किया। देखते देखते निर्माण हुआ है भैया, जहां जहां झोपड़ी और वे कच्चे मकान बने वहां तो कंचन के भवन बन के तैयार हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ये पांच तीर वृंदापुरी प्रसन्न है। मेरी माता बहनों भाइयों, अपने अपने महल को पा करके जहाँ झोंपड़ी थी वो कंचन के भवन बन गए, सुदामा का भवन इतना सुंदर। जब उन्होंने कहा कि आप अब तो अपनी बहन अब प्रवेश कीजिए बच्चों को लेकर के, लेकिन वसुंधरा ने मना कर दिया कि जब तक मेरे स्वामी वापस नहीं आ जाएंगे, जिस तरह झोंपड़ी में जो उंगली पकड़ के विवाह के लेकर के आए थे और जब मुझे वही ले जाएंगे तभी मैं इस महलों में प्रवेश करूंगी। आज इस तरह जिद देखा है तो वहीं पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई उस भवन में जहां उजाला हो गया। वसुंधरा को यहां पर लक्ष्मी जी ने वो आधे चावल का बो देकर के उन्हें धन्य किया, चिर योगना का वरदान दिया कि सदैव तुम जवान बनी रहोगे, तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, अपने स्वामी के प्रति हमेशा तुम चमक दमक से बने।
अपने स्वामी को प्रसन्न करती रहोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। आज सुधामा सो रहे हैं, इधर लक्ष्मी जी ने अपने पद चिन्ह वहां छोड़ दिए। धार कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, चिर योजना बरदान देकर के उन्हें निहाल करके वापिस हो गई। लक्ष्मी जी अंदर ध्यान हो गए, उनका एकदम शरीर जवान हो गया, गहने वस्त्र आभूषण एकदम दमकाने लगे। कर कीजिए, लेकिन वसुंधरा जाकर के जिस मंदिर पर छोड़ करके गए थे द्वारका, उसी मंदिर पर जाकर उन्होंने विश्राम किया। श्री मान थान सिंह जी माता बहन भाई होता है, और सुबह हुआ सुधामा जगे। भगवान कृष्ण को तो पता ही था, लेकिन सुधामा को कुछ नहीं मालूम। भोला भाला सुधामा भगवान पहुंचे भाग करके, अरे मित्र जग गए? हाँ भैया, मैं तो बड़ी देर को बैठा हूं। तो चलो तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें आओ स्नान बनाओ, फिर भोजन करो, उसके पश्चात 10 दिन 15 दिन महीना जितना आप रहना चाहो उतना मेरे घर रहो, आनंद लीजिए। सुधामा बोलो तुम्हें तो मालूम है मित्र मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, मैं कभी अपने बच्चों को छोड़ के दूर नहीं गया, आपसे मिलने के लिए मैं यहां आया हूं, और तुम्हारी भाभी का हाल क्या हो रहा होगा पता है? देखिए आज सुधामा भगवान श्याम सुंदर को बताते और कहते, कन्हैया कन्हावती होगी मन सोचती होगी, अति महावती होगी मन सोचती होगी, और शीश के सुखावती होगी, और जेमती होगी ना पीवती होगी, अजी जेमती होगी ना पीवती होगी, बुतने नीर महावती होगी। अरे देखती होगी घन सपने बुत घन सपने, और तारे निर्हने विदावती होगी, इसलिए अब द्वारिका नाथ विदा करी, हजी द्वारिका नाथ विदा करी, मेरी कामिनी काग विदारती होगी। भैया अब तो हमें विदा करो और हमें अपने घर जाने दो। भगवान बोले आए तो एक ही रात भाई तुमने जाए भी की, पहले रटना रट दे, अब ही तुम्हारी खातिर मेहमानी हमने कहा कर पाई भैया, अरे रुको ना। बोले भैया मेरे बच्चे याद कर रहे होंगे, तेरी भाभी मेरा बाँट निहार रही होगी। सुधामा का मन ये लग रहा था, हे माताओं बहनों भाइयों, हे परिषद महाराज, क्या घर ते चावल ने लाओ बिनऊ खाएगा। लोग कहते हैं जी द्वारका धीसो है और जाके घर में काऊ बात की कमी ना, पर जाने अपया देवे को नाव ना ले। सुधामा ये सोच रहा है, लेकिन जब जागो तब तो जब देगो ही देगो कछु न कछु। भगवान ने कही ठीक है चलो, अब तुम नहीं मानते तो हम तुमको विदा करते हैं। रुक्मिणी बोली लो आवे की देर ना भाई, तो बिना विदाऊ करे वे चल रही, अजी रुको। सुधामा जी अभी तो हमने तुम्हें कुछ खिला पिला नहीं पाया और तुम जग के जाने लगे हो, तुम्हें नहीं पता है कन्हैया को सब पता है। अच्छा तो जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने कहा अरे भैया रथ ले चलू मैं यहां से तुम्हें पहुंचाने के लिए। सुदामा बोलो रथ को कहा होगा सकरी गलिया बाबू घुसवा ही नहीं होगा तो ले जाओ ही बेकार, गेल उबड़ खाबड़, मैं तो जय सुहा तैसे ही चलो जाऊंगा। भगवान कन्हैया अंदर अपने कच्छ में गए, मुट्ठी बांध के बैसी लौटी आई। सुदामा ने निगाह डाली के हाथन में लाओ तो कछु विदा करेगा तब
भगवान बोले चलो 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 वहां गांव तक तो पिता कर आते, तुम्हें रास्ता बताया। सुधामा के पाए ना पड़ रहे, वहां नग पहुंचियो नगर से बाहर। भगवान ने कहा भैया देखो ये रास्ता, और सुधामा बोलो कन्हैया हमको ऐसी रास्ता बताइयो जैसे कि हमें देर न लगे, सीधे अपनी नगरी में जाके पहुंचो। भगवान बोले देखो वो पीपल को पेड़ खड़ो वो दिखाई दे रो, हाँ हाँ, वहां से दो रास्ता फूटी, एक इधर गई है और एक इधर गई है। सो याय मत जाइयो तुम वहां से ऐसे करके जो सीधे न्यू मुड़ जाइए, वे मुट्ठी अति बे खुल गई। अब देख मेरे मुट्ठी ने सुधामा एकदम बोलो मैं पहुंचू के न पहुंचू, जाऊं के नहीं जाऊं, पर तू अपे घर रखू लौट जा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। इस तरह लौट आए सुधामा, रोता हुआ जा रहा है मैं नाई गरी के मत भेज, बचपन को छड़िया लूट लूट के माँ के नकाए थे मुझे कहा दे गो, जैसो आयो जाने वैसो ही भगत आए दो। सुधामा जैसे ही ब्रह्म में प्रिय सोचने और दो ही माने दृष्टि आगे डारी तो वृंदावनी में खड़े हो कन्हैया की कृपा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। वह मंदिर पे पहुंचे जा पर वसुंधरा को छोड़ के आए थे, लेकिन वह नगरी में नजर डाली है तो चारों तरफ घूम आया, घर ना मिलो सुधामा। अब माँ झोपड़ी हती माँ का घर धरो, पीपल को पेड़ जरूर है, वो कन्हैया की यहां नहीं था द्वारका। अब बड़ा चक्कर में सोच रहा कि मैं तो या वृंदापुरी से निकली यानी द्वारका से निकली ना पा रहा, मैं न जाने कब पहुंचोगे भैया, कहां आ जाते जरा कौन सी गली में घुस आए तो चलोगे। लेकिन लोग जब देख रहे हैं कि ये भैया मंदिर पे पहुंचे जहां वसुंधरा अपने स्वामी का इंतजार कर रही थी, उनका मित्र दरवाजे पे बैठा सुधामा। गौर कीजिए भगवान के प्रति आज जिसमें विष्णु भगवान की मूर्ति, सुधामा ने भगवान को जाके भोग लगाई, वसुंधरा के एकदम नेत्र खुल गए, अपने स्वामी को देखा, स्वामी ए स्वामी तुम आ गए। सुधामा उठ के बैठ बहु अपनी नारी न पहचान सको, वो तो बूढ़ी बड़ी छोड़े गो भाई, वसुंधरा को फटे हुए हाथ में छोड़ के गया था, वसुंधरा जवान हो गई, वस्त्र आभूषण गहने पहने इतनी सुंदर लग रही थी। वसुंधरा ने चरण पकड़ने के लिए नीचे को नोनी सुधामा दूर खड़े हो गए, रुक 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 तुम मुझे हाथ मत लगाओ, तुम मेरी वसुंधरा नहीं हो सकती हो। जब तक उनके मित्र आ गए, जब तक उनके मित्र आ गए और जैसे ही देखा मेरे भगवत बंधुओं, तभी सुधामा को कहा भैया सुधामा ये क्या कह रहे हो आप, ये भाभी है तुम्हारी पत्नी वसुंधरा है, यहां पर तुम्हारे जाने के बाद लक्ष्मी जी स्वयं आई, रुक्मिणी इनको चिरयौवना का वरदान दिया है और ये उन्हीं की कृपा से विश्वकर्मा जी को भेज करके उन्होंने वृंदापुरी का निर्माण किया। तभी इतना लग करके सुन करके सुधामा आज भगवान विष्णु जी की मूर्ति थी, चरणों में लिपट गए, रोने लगे, मस्तक रगड़ने लगे, हे कन्हैया मैंने तो न जाने तुझे चलते रास्ता कितनी गालियां दी, लेकिन तूने तो मेरा भविष्य ही बदल डाला, मैं तुझे समझ नहीं पाया, हे प्रभु एक बार मुझे दर्शन दे दो, मुझे क्षमा तो कर दो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, वहीं पर भगवान ने दिव्य रूप धारण करके अपने मित्र सुधामा को दर्शन दिया है। बोले कृष्ण भगवान की। इस तरह ही राजन परिषद अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के उस नगर में उस घर में प्रवेश किया जहां पर सभी वृंदापुरी ने सुधामा का सम्मान किया, जय जयकार हुई। उसी नगरी का हे राजन परिषद कुछ समय के बाद वृंदापुरी के बजाय फिर उसका नाम सुधामापुरी पड़ गया। वहां का एक राजा और था, लेकिन राजा वो मदरा पान ज्यादा करता था,
एक दिन सुधामा पहले जो भजन गाया करता था उसके दरबार में, भजन गाते समय मदरा पान कर सुधामा ने सुधामा को अपमान करके अपने दरबार से भगा दिया था। तो सुधामा के प्रति आज बहन वृंदापुरी का सुधार हो गया, लेकिन उसने विश्वकर्मा के दर्शन नहीं कर पाए जो सबने किए। इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ उस राजा को जब उनके नौकरों ने बताया, महाराज तुम्हारा कोई दोष नहीं, दोष सब उस मदरा का है जिसे पी करके तुम आराम से सो जाते, तुम्हें अपने पराए का ध्यान नहीं रहता था, तुम भगवान का क्या सत्कार करोगे। जिस मित्र का, जिस सुधामा का तुमने अपमान करा, तुमने दरवाजे से ठोकरे मार के भगा दिया, उसी की कृपा से भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को भेज करके और सारी नगरी का निर्माण कराया, उसी की कृपा है। बोले ऐसे दान महात्मा, मैंने जिसका अपमान किया अब चलूं उससे क्षमा मांगूंगा, आज से मैं इस मदरा का त्याग करता हूं, कभी भी भूल करके भी इसमें नहीं छूंगा। उसने शपथ खाई, सुधामा के पास आके चरणों में गिर पड़े। वो महाराज जो सुधामा ने उठा के अपने हृदय से लगाया, राज मुकुट उतार के सुधामा को देना चाह के, लो आशी है राजपाट नगरी का तुम्हारा। बोले नहीं, ये महाराज राज तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित बन करके और तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह हे राजन परिषद गौर कीजिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, यहां पर श्री सुखदेव जी ने महाराज परिषद को नरकों से वर्णन कराया, कथा संपन्न भरपूर पूर्ण हो चुकी। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परिषद, अब आप संपन्न कथा श्रवण कर चुके हो, अब ये जितने भी ऋषि महात्मा श्रवण करने के लिए कथा को आए हैं, अब हमें और महात्माओं को, किसी को गौदान, किसी को सुवर्ण दान, किसी को अन्नदान, इस तरह दे करके सबको संपन्न किया और समय महाराज परिषद का पूर्ण हुआ। हे माताओं बहनों भाइयों, वही तक्षक वाशिक का पुत्र और जो उनकी पत्नी नवल दे उसका भाई, जिसे संगी ऋष का श्राप लग चुका था, जो समीक ऋष के पुत्र थे, तो पहले काले को भेजा, लेकिन वो नवल दे चाला हर जगह ऐसी कोई बाकी न छोड़ी जा दूध और नमक और अन्न नहीं डाला, मोरी तक जो घर की मोरी होती है वहां तक भी दूध की व्यवस्था ना दे दरवाजा। काला आया, लेकिन जब उन दूध की नादों में गोता लगाया, नमक भी उसके मोहरे में गया और दूध भी गया, मीठा भी गया, जिस वक्त वो सो रहे तो दोनों प्राणी कारे ने देखा, ऐसी सुंदर डोरी को देख करके कारा कहता है, हे विधाता, राजा भले ही मुझे मारे या छोड़े, लेकिन ये जोड़ी विनाशने योग्य नहीं, जिसका मैंने अन्न जल ग्रहण किया है, अब मैं नमक हलाल बनूंगा, नमक हराम नहीं, संसार में लोग थूकेंगे। वह काला लौट गया, वाशिक से जाके कह दिया, महाराज ये कार मेरे बस का नहीं। उसी क्षण क्रोधित होकर उसे श्राप दे डाला, अरे दोगले तूने दो मुंह बातें करी हैं, आशी यहां से आगे तेरे दो मुंह होंगे, छह महीना इधर से चलेगा, छह महीना तू इधर से चलेगा। हे राजन परिषद मेरे भगवत बंधु, से दो मुंह का श्राप होता है, जिसे शावर भी कहते हैं, कोई कुछ भी कहता है, तो कोई तुम्हें भी कहता है, ये बहुत बड़ा जहरीला श्राप था, लेकिन इसे वाशिक का स्वयं श्राप लगा। फिर जब उसने बीड़ा डाला तो बीड़ा को तक्षक ने चबाया कि हे पिताजी घबराओ नहीं, मैं उस कार को करूंगा। हे माताओं बहनों भाई, बीड़ा खा लिया है, तक्षक बड़ा चालाक था, ये नवलदे को मालूम हो गया, तो उसने अपने स्वामी की रक्षा करने के हेतु जल में कांच महल बनवाया, जिसे शीश महल कहते हैं,
इतनी भी जगह संग नहीं छोड़ी, केवल ऊपर जाकर के खिड़की, लेकिन कांच पे कभी सांप नहीं चढ़ता था। खिड़की थी ऊपर, जल में रहते लगे। तब उन्होंने कह दिया है नवलदे ने अपने स्वामी थे कि हे स्वामी मेरा कहा करना, पलक से नीचे पांव मत रखना, कोई बिगड़ मेरे कहे किसी चीज से हाथ मत लगाना, जिसकी भी जरूरत पड़े मुझे पुकारना। बोले ठीक, लेकिन सुबह का वक्त गौर कीजिए मेरे माता बहनों, मंजन कर रहे थे वह खिड़की के सारे जो ऊपर बनी थी और जल ऐसे बह रहा था, तो वह अंदर जाके बैठ गया और वो ले जा रही थी मालन तोड़ करके महाराज के लिए। तो लेकिन वह जब तक नवलदे नहीं देख लेती किसी चीज को, तब तक वो राजा के पास पहुंचने नहीं देती। लेकिन हे मेरी माता बहनों, जैसे ही नवलदे ने पर्दा उठाया, उसका भाई का मुंह उस बेर में चमक गया, तभी वह बेर योगी तो उसने जल में फेंकवा दिया, और जैसे ही जल में फेंके वह सुंदर पुष्प बन गया, सुंदर पुष्प बन गया। अब बह गया रहा है महाराज, दांतन कर रहे हैं उस खिड़की को खोल करके जो शीश महल की बनी। वो पुष्प जैसे ही आया राजा के पसंद आया, कितना सुंदर पुष्प, ओह ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, अब तो मैं इसको नवलदे को अवश्य दिखाऊंगा। उस पुष्प को हाथ में लेके जेब में रख लिया राजा। हे राजन मेरे भागवत बंधु, रात्रि हुई, समय संपन्न हुआ राजा का। उसी रात्रि में ठीक रात्रि का 12 बजे राजा को नहीं रहा ध्यान, सो गए दोनों प्राणी। पॉकेट में से निकलो पुष्प को, वो सर्फ बन गया, छाती पे खड़ा है गया। आज अपने बहन बहने को देख रहा है, लेकिन आज ध्यान दीजिए, तक्षक ने बीड़ा तो खा लिया था, लेकिन अपनी बहन अपने बहने को देख करके उसके हृदय में भी दया आई, लेकिन वो अपने पिता को वचन दे चुका है, बीड़ा उठा चुका है। जिस वक्त उसने अपने बहनों यानी परिषद को डसा, तो आंख मीच करके और नाक में ही डसा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। कहते हैं मेरे भागवत बंधु, टूटी को टूटी कहीं नहीं। कोई कहे कि अमर बूटी कि अमृत बुला के घोट के से अमर बूटी दे दे, लेकिन जगत में वही सार है मेरे भागवत बंधु, वही अमर बूटी होती है कि जिस प्राणी का किसी भी दे धर्मात्मा बन संसार में जगत में नाम हो जाए, उससे बड़ी कोई बूटी है ही नहीं, इसी को कहते हैं। लेकिन वहां राजा का संपन्न समय पूर्ण हो चुका, नवलदे जाग सुबह देखा पति नीले पड़े हुए, कुछ कह नहीं पाए, समझ गई। तभी उन्होंने तोता को पिंजरा से निकाला, चिट्ठी बांध के गले में बांधी, कहा भैया सुआ जाओ धनत्तर जी के पास पहुंचो, गुरुदेव को बुला के लाओ। तोता पहुंचा, जाकर के धनत्तर जी ने चिट्ठी को पढ़ा, 1400 चेलाओं को लेकर के हस्तिनापुर प्रस्थान किया, लेकिन रास्ता में आएगा वही तक्षक। आगे ब्राह्मण के भेष में बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले हस्तिनापुर जा रहा हूं, मेरे शिष्य को सर्प ने डस लिया है। अच्छा तो तुम बचा लोगे? बोले अवश्य। कैसे बचाओगे? के मंत्र के द्वारा। बोले हमें तो विश्वास ना तुम बचा लो, तो तुझे विश्वास कैसे आएगा? बोले इस वृक्ष के सामने जो है इसको सुखाओ और फिर हरा कर दो, मैं जान जाऊंगा। उसी क्षण उन्होंने हरा पेड़ सुखा दिया और फिर उसको हरा कर दिया। समझ गो तक्षक के जिंदू का शकुन, अब नागवंश की मर्यादा टूट जाएगी, ऐसा भयो। लेकिन हे मेरी माता बहनों भाइयों, वहां से अंतर ध्यान भयो, जिस मार्ग से आ रहे एक टेढ़ो मेढ़ो सोटा बन के रास्ता में लेट गए।
आगे आगे धनंतर जी सुंदर सोटा चमकनो देखे, उन्होंने उठाए के कंधा पे धर लो, बोलिए मेरे काम आएगा। वो नहीं समझ पाए, समय पा करके मौका पा करके झट से असली भेष में आए और धनंतर जी को ठीक पीठ पे डस रहे। अब पीठ पे ही डसो क्यों के धनंतर जी का पूर्ण नियम था कि जहां तक दृष्टि पड़ जाती सर्प के कांटे पर वो मरता नहीं था। अब वहां तो कोई इलाज नहीं, आंखें कैसे पहुंचे समझ गए। तभी अपने शिष्यों से कहा कि भैया तुम मुझे मांद में गाड़ दो, गोबर और नीम के लहरों में ढांक बजाओ 15 दिन, मैं सही हो जाऊंगा। ऐसा ही किया, ढांक बजा रहे हैं 15 दिन के लिए, तो 4 गरीब है हूं करा आएगो दोनों फिर आएगा ब्राह्मण के भेष में। ये क्या हो रहा है? बोले हो क्या रहा है, हमारे गुरु जी को सर्प डस गया। हमारे गुरु कह गए हैं कि 15 दिन ढाक बजाओ, हम ठीक कह जाएंगे। इसलिए अरे राम राम राम, तुम्हारे गुरु कह गए तुमने मान लिया? अरे तुम्हारे गुरु तो मर गए, उनमें है क्या? उखाड़ो, कितना पाप कमा रहे हो, गुरु जैसी चीज। भैया समझ में आई, बिन के सब उखाड़ लो, जैसे ही बिन होश आयो पलक खोल के देखो ये क्या किया। बोले ब्राह्मण ने कहा लेकिन वो तो गायब हो गए, वहां कोई नहीं था। अरे मूर्खो, फिर तुमने धोखा किया। अब तुम एक काम करो, जाओ गंगा किनारे मुझे लेकर के जाओ, मेरा मांस को बना के खा जाओ, हड्डियों को गंगा में बहा दो, तुम 1400 धनंतर हो जाओगे। ऐसा ही किया, हिस्सा बांट भैया करो, मांस को बनाया 1400 हड्डियां अपनी अपनी बना के तैयार करी बिन्ने। लेकिन फिर साधु के भेष में आएगा, बोले ये क्या हो रहा है? बोले ये गुरु का मांस बना रहे। राम राम, गुरु का मांस? तुम 7 जन्म नरक गोड़ोगे, फिर तुम्हें जन्म नहीं मिलेगा, गुरु के मांस को खा रहे हो। अरे राम राम राम, छी 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 छी, फेंक दो। सब हड़िया फिकवाए दही गंगा जी में, उनमें से एक हड़िया तैरते रहेगी, बाकी सब डूब गए। वो हड़िया बह करके बंगाले पहुंची, जब गंगनिया नाम की धोबी अपने पति से दुख होकर के वो मरवे के लिए समुद्र में प्राण देने आई, लेकिन वह प्राण तो भूल गई देवो, वो हड़िया नजर आया। अब हड़िया को बाने उखाड़ जैसे बगल पार से लगी, हड़िया को उठाया बा में देखो आमस मास, जाकर के मरना भूली अपने स्वामी के पास पहुंची, पति के पास। दोनों ने बड़े ही प्रेम से उसे पान किया, जब इसे बंगाली में जादू प्राप्त हो गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। लेकिन ध्यान दीजिए, लाख उपाय करे उस पत्रता ने जिस वक्त अंत हुआ था परिषद महाराज जी का, तब नवलदे गर्भवती थी मेरे भगवत बंधुओं, लेकिन टूटी को ब्रूटी कहीं नहीं, बंगाले भी घन्नाई बनाए के लेके पहुंची। लेकिन वहां पे भी गंगनिया धोबी ने कह दी कि महाराज यदि ये लाश यहाँ साबुत आ जाती तो इसका उपाय था, लेकिन बिगड़ी लाश का कोई उपाय नहीं। वापिस हस्तिनापुर में आके दाह संस्कार हुआ। गौर कीजिए, समय आने पर सुंदर से बालक ने जन्म दिया, जिसका नाम जन्मजय रखा गया। 8 वर्ष का वह बालक हुआ, बच्चों में खेल रहा था तो झगड़ा आपस में हो ही जाता है, तो ताहने में आकर के बच्चे ने ताप में आके कह दिया, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तू तो बिन बाप का है। दूसरा बोलो या के बाप है तो याई को मामा डसगो तछक। अब ऐसा सुनियो, जिसको पता नहीं था माता ने छुपा के रखा, अपनी माता से आके जन्म जरोया, बोले हे माँ ये भेद आज तक तुम छुपाए रही, मेरे पिता को मेरे ही मामा ने मार दिया। बोले बेटा यही सत्य है, तो माता मैं अब नाग वंश को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने नाग शत्रु ध्यान दीजिए शत्रु नाशक यज्ञ कर नाग वंश के प्रति। आज इस तरह जब उसमें हवन आहुति होने लगी, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा, नाग अपने आप लहराते हुए उस अग्नि में भस्म होने लगे। अब भैया वह बास कर रो पड़ेगो, जाके इंद्र के बातें लिपटेगो, चारों तरफ देखे बात मौका न मिले तो इंद्र को सिंहासन उचल दियो। इंद्र देव ने महाराज
भगवान शंकर भगवान को आह्वान किया, शंकर भगवान प्राप्त हुए, बोले प्रभु बचाओ मुझे बचाओ, ये नाग वंश को नहीं छोड़ेगा। तब इंद्र और शंकर दोनों ही उस यज्ञ में आए, ब्राह्मण का रूप धर के उस यज्ञ को रुकवाया और कहा कि बच्चे तीन वचन दे तू मुझे, किसी नाग वंश को किसी भी योनि हो, मानव योनि हो, देवता योनि हो, या सर्प योनि हो, पक्षी योनि हो, किसी का विनाश नहीं करती, इसलिए जो होना है वो तो हो चुका, लेकिन किसी विनाश वंश का मत दीजिए। तभी उन्होंने वचन दिया, तो वचन देते समय उन्होंने मांगा कि मैं तुम्हारे मामा के दर्शन करा दूंगा, लेकिन उसे तुम मृत्यु दंड नहीं दोगे, क्षमा कर दोगे। जन्मजय ने कहा एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूं, मुझे दिखा दीजिए, मैंने तुम्हें वचन दिया लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो होना है वो हो चुका। तभी अपने असली रूप में आकर के शंकर और इंद्र देव, तो शंकर के भगवान के गले में तो वो पड़ो वार्षिक नार से निकाल के दिया है, लो यह है तुम्हारा मामा। देख लेते ही जन्मजय ने क्रोधित होकर के ऐसे करके सूत तो दयो गए, तब तक तो भगवान ने हाथ में ले लिया। जब इसे सर्प में दोनों तरफ जहर हो गया, मोड़े की तरफ और पूंछ की तरफ, बीच में कुछ नहीं, बोले शंकर भगवान की जय हो। इस तरह ही माता बहनों भाइयों कथा को विराम देते हुए अब मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्या कहा, बुढ़ापे तेरी कोई न पूछे बात। देखो बताओ सुनो, आया बुढ़ापो कहे गया रे तीन कान में बात, भाई तीन कान में बात, दादा तीन कान में बात, आया बुढ़ापो कौन कौन सी बात कही वे तीन बुढ़ापे ने सुन रहे हो। अरे हो कितनी बढ़िया बात कही, आया बुढ़ापा कहे गया तीन कान में बात, होले चलो धीरे चलो और लाठी ले लो, क्यों कि तुम्हें सहारो बेटा को नहीं मिलेगा, मिलेगा लाठी को, और समर के पाम रखना पड़ेगा। अब और सुनो, आया बुढ़ापा कहे गया फंस जाओ, ऐसे मत फंसो,
कह लल्लू की मम्मी चल अब तो बूढ़े है गए तहसील में जो कसी हतुआ से बेटन ने बहुए दे दो लेकिन ये मेरे बड़े बूढ़े सब दे दो लेकिन कच्चू अपने पास रखो जाते हुए तुम्हारा संग देते रहेंगे एक गिलास पानी मिल जाएगा बाकी लोगों से हाँ अब देखिए आई जवानी कही गई रे बहुअर रह गई पूत भैया बहुअर रह गई पूत आई जवानी कही गई रे बहुअर रह गई पूत भैया बहुअर रह गई पूत आई जवानी कही गई बहुअर रह गई पूत एक ही बेटा है दोनों प्राणियों के बीच एक बेटा है गौर करियो मेरी भैया और मेरे भाइयों ब्याह है गो सर्वस्व के खातिर लगाए तो बेटा के खाए ब्याह है गो दुल्हन आ गई अब नौकरी पे लग जाओ वो घर रह रही है वो कह जा दो सास ससुर की सेवा करियो हफ्ते में आ जाए करो वो चिंता मत करियो लेकिन महीने पीछे लौट के आवत है सास ससुर बीमार डरे है और बाके घर में घुस बेटे पहले ही मूड पकड़ के बैठ गई न पानी की पूछी न रोटी की मूड पकड़ के बैठ गई बोले का बात है वो बना हो गई मेहताई बाप की एक काम कर लो न भैंसियन न सानी लगते क्या तो मुझे संग ही ले चलियो और नहीं तो सवेरे फांसी खा के मर जाऊंगी के मर जाऊंगी अब बेटा मजबूर कर दो बेटा मजबूर कर दो लेकिन बूढ़े माँ बाप की तरफ करना चित ही सोची वह नौकरी पे लेके चलो गो आई जवानी कहे गई रे बहुअर ले गई पूत बहुअर ले गई और इतने रूप ना हम समझे पूत के पूत मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो मेरे संत भगवानों मुझे क्षमा कर चौथा राधे राधे राम राधे 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 राम राधे 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 राम राधे 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 राम राधे श्री मथुरा श्री मथुरानी अजी गोकुल नगरिया अजी गोकुल गगन में अजी वृंदावन में अजी बापन गट पर अजी जमुना घाट पर अजी गोवर्धन में अजी मानसी गंगा में पुछरी के लौटा अजी राधा कुंड पर अजी सब भक्तन में सब संतन में मेरी सब बहन मेरी सब मातन में मेरे सब भैया में इस भागवत पंडाल में इस भागवत पंडाल में इस हिम्मतपुर में तहसील कचौरा में मेरे सुगा मन में राजा ही शक्ति राजा ही भक्ति है सब कुछ भूल जा लेकर मेरे भगवान को मेरे ठाकुर जी को मत भूल सोते जगते उठते बैठते खाते पीते
कल सवेरे हम फिदा हो जाएंगे, कल सवेरे हम फिदा हो जाएंगे। कल सवेरे हम फिदा हो जाएंगे, कल सवेरे हम फिदा हो जाएंगे। खड़े हो जाओ, जय हो।